हम बनाने वाले हैं चिकन चंगेजी। तो आपका स्वागत है शमा फूड किचन में और आज हम बनाने वाले हैं चिकन चंगेजी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन। चिकन को हमने साफ करके धो लिया है। आइए अब हम इसमें मसाले डालते हैं मैरिनेट करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच होममेड गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हमने चिकन में मसाले मिला लिए हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितने तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है उतने तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 5 कांदे मीडियम साइज, 3 टमाटर मीडियम साइज, 10-12 काजू। अब हमने प्याज को फाइनली चॉप कर दिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब हम उसमें प्याज को डालेंगे और उसे हल्का सौते कर लेंगे। अब हम इसे चलाते जाएंगे। अब हमारा प्याज हो गया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। और अब हम इसमें काजू भी डाल देंगे। अब हम इसको ढककर रख लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हमने इसको पीस लिया है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है। अब हम फ्रिज में से चिकन को निकाल लेंगे। अब हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। जिस कढ़ाई में हमने प्याज को तला था उस कढ़ाई में हम ऑयल डाल लेंगे। अब हम चिकन के एक एक पीस को इस तरह से रखते जाएंगे। और 5 मिनट के लिए बाद में दूसरी तरफ से पकाएंगे। सिर्फ चिकन ही डालें कढ़ाई में, उसका मसाला नहीं, क्योंकि वो बाद में हमारे काम आएगा। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे और ग्रेवी बनाएंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
हल्का स्वादे कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, याद रखिए हमने चिकन में भी डाला था, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर और प्याज का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे। अब हम इसमें होममेड गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, याद रखें हमने पहले भी इसमें नमक डाला था। अब हम इसमें फेटी हुई दही डालेंगे। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब कि हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फिनिश करने के लिए इसमें होममेड गरम मसाला डालेंगे। अब हम मेथी कसूरी को क्रश कर इसके अंदर डाल देंगे। अब हमारी चिकन चंगेजी तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।